हजारीबाग सहित देश के अलग अलग भागों में आज धूमधाम से मनाया गया परशुराम जन्मोत्सव। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 भारत समाचार के साथ, मैं हूं मनीष कुमार झा। आइए अब समाचार जानते हैं विस्तार से। देश के अलग अलग भागों में आज परशुराम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। हजारीबाग में भी अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के द्वारा बड़ा अखाड़ा परिसर में परशुराम जयंती धूमधाम से मनाया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना प्रारंभ हुई। बाद में कलाकारों ने भक्ति जागरण के माध्यम से दादा परशुराम की उपलब्धियों को उपस्थित लोगों के सामने प्रस्तुत किया। उपस्थित लोगों ने कहा कि ब्रह्मा जी ने चार वर्णों का निर्माण किया, वह सभी समाज के लिए उपयोगी है। आजकल लोग तथ्यहीन बात कर समाज के भोले भाले लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमेशा से ब्राह्मण समाज सभी वर्गों का सम्मान करता रहा है। जिस प्रकार शरीर के सभी अंग महत्वपूर्ण हैं, उसी प्रकार समाज के सभी वर्णों का रहना अत्यंत जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति का पैर कट जाता है तो उसे दिव्यांग कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हमारे समाज में किसी वर्ग को सम्मान नहीं मिलता है तो वह समाज सुदृढ़ नहीं हो सकता। हम लोग हमेशा सभी का आदर करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं। माहौल है, खुशी का विषय है कि सभी ब्राह्मण मिल के एक होके बड़ा मैंने खुशी के साथ मनाया जा रहा है। जी देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के बैनर तले परशुराम जन्मोत्सव बड़ा धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इस जन्मोत्सव में हजारीबाग जिला से 16 प्रखंड से लगभग सभी ब्राह्मणों का तांता यहाँ पे उपस्थित हुआ है। हर साल की भांति इस वर्ष भी बड़ा अखाड़ा ठाकुरबाड़ी में बड़े ही धूमधाम से बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस वर्ष हम लोग जो है सो भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मना रहे हैं। और इससे आगे संदेश दे रहे हैं कि हमारा ब्राह्मण समाज जो है इसी तरह आगे बढ़ते रहे और एकजुट होकर के सभी कार्य में हम लोग एक साथ रहें और ब्राह्मण साथ में रहेगा। जैसे बड़े हर्ष का विषय है कि आज बड़े धूमधाम के साथ इस स्थल पे भगवान परशुराम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। सबसे सर्वे भवन्तु सुखिनां, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा काश्चन दुख भाग भवे। हम लोग ब्रह्म तत्व का ब्राह्मण है और ब्राह्मण जो है वो मूल होता है। जिस प्रकार से ब्रह्मा जी के चार पुत्र होते हैं, पहला ब्रह्म जो ब्राह्मण कहलाता है, उसके बाद आपका छत्री जो हृदय और बाहु से छत्री और पेट से जो होता है वो वैश्व कहलाता है, और कमर से जो नीचे का भाग होता है पैर तक वो शिव यानी शूद्र का कहता है। तो ब्रह्मा जी के चार पुत्र होते हैं और चार पुत्र जो हैं वे सभी सम्मानित हैं, किसी के किसी पर द्वेष भाव नहीं है। आज बहुत ही हर उल्लास के साथ हम लोग सभी जिला प्रखंड प्रदेश सभी पदाधिकारीगण मिलकर आज जो है भगवान परशुराम जयंती का उत्सव मना रहे हैं और भजन कीर्तन भंडारा पूजन इत्यादि का किया गया है, समारोह किया गया है।